जय श्री कृष्णा। आजकल कच्चा आम मार्केट में बहुत मिल रहा है। कच्चे आम का हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। आम का अचार डाल सकते हैं, कच्चे आम की चटनी खट्टी मीठी मसालेदार बना सकते हैं, कच्चे आम का जैम भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। जैम भी, चटनी भी और अचार भी। तो आज हम इन कच्चे आमों से कच्चे आम का जैम बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये 400 ग्राम अंबिये छील के और गुठली निकाल के ले ली हैं। इनको हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। इनको हम छोटे छोटे पीसीज में ऐसे सारे आमों को काट लेंगे। हमने सारी फांक कर ली है आमों की और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। इन सारी फांकों को हम एक स्टील के कुकर में डाल देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एल्युमिनियम का कुकर नहीं लेना है, या तो नॉन स्टिक वाला काल जो ब्लैक मेटल का होता है हमें वो लेना है। इस कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। कुकर को ढक के हम एक सीटी आने तक इसको वेट करेंगे। कुकर में एक सीटी आ गई है, अब हम इसकी सीटी की भाप रिलीज होने की वेट करेंगे। कुकर की भाप रिलीज हो गई है, हम अपना कुकर खोलेंगे। ये हमारी अभी बिल्कुल नरम हो गई है। अब हम इसको एक छलनी में डाल के इनको छान लेंगे ताकि अगर इनमें कोई छिलका हो, रेशा हो, वो निकल जाए। जो कि जैम में अगर रेशा आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। हमने एक ये नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसी में हम अपना ये सारा गुद्दा डाल के छान लेंगे। ये हमारा ऐसे सारा गुद्दा नीचे निकल जाएगा क्योंकि हमारी अंबियाँ बिल्कुल अच्छे से नरम हो गई हैं। अंदर ये बहुत थोड़ा ही फूस बचा है, इसके साइड से भी हम सारा ये पल्प उतार लेंगे। हमने गैस को ऑन कर लिया है और हमने उस पे अपना ये कैरी वाला जो पल्प निकला है हमारा वो रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें अब ये हम अपनी शुगर भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 400 ग्राम हमने ये मैंगो पल्प लिया है तो इसके अंदर हमें कम से कम आधे से ज़्यादा मीठा डालना होगा क्योंकि हमें ये प्रिजर्व करके रखना है। जैम को प्रिजर्व करना हो तो उसमें मीठा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, इसमें हम डाल देंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और इसमें हम दो टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के डाल देंगे। दालचीनी से इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसको हिलाते रहेंगे। 3-4 मिनट हो गई हैं हमें इसे गैस पे रखे हुए और हिलाते हुए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा जैम नीचे लगने ना पाए। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें लगेगा भी नहीं, लेकिन इसमें भी अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हिलाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो नीचे से चिपकनी शुरू हो जाती है। तो इसको अभी हम हिलाते रहेंगे और अभी ये थोड़ी सी देर में थोड़े थोड़े छींटे से उछालने लगेगा, उससे हमें अपने हाथ को बचा के रखना होगा। और 4 मिनट हो गई हैं हमें इसको गैस के ऊपर रखे हुए और हिलाते हुए। ये हमारा जैम ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे, 1 चम्मच, छोटा चम्मच, ताकि नींबू के अंदर अपनी एक ऐसी ताकत होती है कि जो कि चीनी को क्रिस्टल में नहीं जमने देता। अब हम इस जैम को अपने चेक करेंगे कि ये हमारा जैम बन गया है कि नहीं। गैस को हम कम कर देंगे एक बार बिल्कुल स्लो पे और इसको ऐसे देखेंगे।
ये एक शीट सी बना रहा है और यहाँ पे एक जगह आके बस ये अब ये हमारी अटक गई है, नीचे गिर नहीं रही है। ऐसे ऐसे करने से कहीं से भी गिर नहीं रही है। अब हम इसको एक प्लेट में डाल के देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जैम बन गया है कि नहीं। थोड़ा सा हमने प्लेट में डाल दिया, थोड़ा सा ठंडा करने पे देखते हैं इसको हम, हमारा जैम किसी भी तरह से कहीं भी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। चारों तरफ इसको हमने घुमा दिया, ऐसे एक जगह रख लिया, ये अपनी जगह वहीं पे ऐसे का ऐसे है। इसका मतलब है कि हमारा जैम ये बन गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। ये जैम की शक्ल से ही पता लग रहा है कि जैम हमारा बन गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट ऐसी कढ़ाई में हिलाएंगे और उसके बाद इसको एक शीशी में भर के रख लेंगे। शीशी में भरने से पहले हमें उस शीशी को अच्छे से स्टेरिलाइज करना ज़रूरी होता है, तभी हमारा जैम या अचार जो भी चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती है। हमने पहले से ही अपनी एक शीशी पानी में उबाल के सुखा के तैयार करके रखी हुई है। इस जैम को हम अपनी इस शीशी में भर लेंगे। ये हमारा जैम शीशी में भी ऐसे करने पे हिल नहीं रहा है, अपनी जगह ऐसे के ऐसे जमा हुआ है। ठंडा होने पे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम बाज़ार से जो जैम लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा होता है। ये हम इस ब्रेड पे अपना ये जैम लगाएंगे, बिल्कुल आराम से हमारा ये जैम फैल रहा है। ये हमारा जैम बड़े आराम से ब्रेड के ऊपर फैल रहा है। हमें दूसरी ब्रेड के ऊपर भी जैम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसी पे काफ़ी ज़्यादा जैम लगा दिया है। और इसी के ऊपर अब हम जैम का दूसरा पीस रख देंगे, ब्रेड का दूसरा पीस रख देंगे और इसको जिस मर्जी शेप में आप काट के खाना चाहें उसमें हम काट के खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रेड जैम बिल्कुल तैयार हो गया है। बड़ा शाइनिंग है हमारे इस जैम में और ये साथ के साथ में हमारे ब्रेड के सैंडविच भी बन के तैयार हैं। तो अगर आपको ये कच्चे आम के जैम का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडली सर्कल में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।